Good morning, students. Our next concept is other modes of nutrition in plants. Last lecture में हमने पढ़ा कि green plants के पास photosynthesis करने के लिए chlorophyll है, photosynthesis कर सकते हैं. तो green plants क्या हुए? Autotrophs. तो ये autotrophic mode of nutrition normally green plants में मिलता है, but कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हैं प्लांट्स में. जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है बेटा जिसको हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट. तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्लांट्स में मिलता है. ऐसा कैसे होता है? इसमें बेटा एक नॉर्मल प्लांट जो ग्रो कर रहा है, जैसे ये एक ग्रीन प्लांट ग्रो कर रहा है लाइक दिस, ये ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल. इसके लीव्स में क्या चल रहा है? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल से किसमें कन्वर्ट करवा रहा है? ग्लूकोज में. इस प्लांट के ऊपर एक दूसरा प्लांट ग्रो करता है, देखो ये प्लांट. अब ये जो प्लांट है जो रेड कलर का मैंने यहां बनाया है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. अब ये जो प्लांट रेड कलर का हमने बनाया है, इट कैन नॉट परफॉर्म, फोटोसिंथेसिस. अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता तो ये इस प्लांट से, ग्रीन प्लांट से फूड लेता है. देखो इसकी रूट्स इसके अंदर चल जाते, देखो ये अपनी रूट्स इसके अंदर डाल देता है और उस प्लांट से खाना सक करता है. तो इसलिए इस प्लांट को क्या कहेंगे? रेड वाले को पैरासाइटिक प्लांट. दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट. और जो ये ग्रीन प्लांट है इसको क्या कहोगे? होस्ट. होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है बेटा पैरासाइटिक प्लांट. इसके बाद एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा, वो हेटरोट्रॉप की टाइप्स में ही है. हमने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, है ना? तो दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मच्छर खाने वाले प्लांट्स, पिचर प्लांट्स. ये कैसा होता है बेटा? इनमें बेटा इसका जो लीफ है वो मॉडिफाई हो गया है. देखो ऐसे, इसमें जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाएगा तो ये लिड क्लोज हो जाएगी. तो ये प्लांट कैसा हो गया? इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट पिचर प्लांट. तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता? करता है. तो फिर इसको इंसेक्ट खाने की क्या जरूरत है? बाकी प्लांट्स तो नहीं खाते, तो इसको इंसेक्ट खाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये उस सॉयल में ग्रो करता है बेटा. ये यहां जो सॉयल है इसमें कमी है किसकी? नाइट्रोजन की. या आप कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. जिस जगह ये प्लांट ग्रो कर रहा है उस जगह मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट खाता है ये प्लांट, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल जाए. तो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये प्लांट कैसा बन गया? इंसेक्टिवोरस. और ये प्लांट कैसा है? पैरासाइट. तो हमने दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लिए बेटा. इसके बाद नेक्स्ट है आपकी बुक में मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. ये तो प्लांट्स का हो गया.
दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है? तो यहां पे है बेटा एक सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है बेटा डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग, गले सड़े सामान पे। गले सड़े सामान पे जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो ये कौन सा मोड होगा? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में एग्जांपल जैसे कुछ फंगस है बेटा और बैक्टीरिया, फंगस एंड बैक्टीरिया आर दी एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स। ये फंगस क्या करती है, जैसे मान लो ये ब्रेड है, आप ब्रेड इन दिनों में आप बाहर छोड़ दे कुछ तो 2-3 दिन के बाद आप देखना उसके ऊपर व्हाइट कलर कॉटन लाइक सब्सटेंस आ जाता है, उसमें से स्मेल भी आती है, तो उसके ऊपर कौन आ गए हैं? ये सेप्रोट्रॉफ्स आ गए। ये सेप्रोट्रॉफ्स बेटा इसके ऊपर ग्रो करते हैं क्यों? ये जैसे एक फंगस होती है राइजोपस, इसको ब्रेड माउथ भी बोलते हैं। कोई भी डेड बॉडी में से स्मेल कब आती है? जब सेप्रोट्रॉफ्स उस पर ग्रो करते हैं। प्लांट्स की डेड बॉडी हो, एनिमल्स की डेड बॉडी हो, तो उसको डीकंपोज करने का काम इनका है, सेप्रोट्रॉफ्स का। इसके बाद एक रिलेशन है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मींस सेकेंड था सिम्बायोटिक का मतलब फ्रेंडली, दोस्ती। जैसे फ्रेंड्स कौन होते हैं? जो इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब, सिम्बायोसिस का मतलब टू लाइव, टू लिव टुगेदर, एक टर्म है सिम बायोसिस। इस टर्म का मतलब क्या होता है? टू लिव टुगेदर। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है जहां दो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली रह रहे हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब जैसे यहां पे एग्जांपल हम देखते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट्स हैं, जैसे ये प्लांट है बेटा, ये रूट्स हैं, ये रूट्स, इसकी रूट्स में यहां पे ऐसे स्वेलिंग होती है कई जगह, यूं ऐसे। तो ये कौन सा प्लांट है? लेग्यूमिनस। और इसकी प्लांट में क्या है? ये नोड्यूल। और इस नोड्यूल में कौन रहता है? इसका दोस्त रहता है बेटा प्लांट का। कौन दोस्त है इसका? इसका दोस्त है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और रिटर्न में क्या लेगा? फूड और शेल्टर। अब देखो बेटा दो हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया और उसका दोस्त कौन हो गया? ये लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट इसको क्या दे रहा है? प्लांट तो इसको दे रहा है फूड और शेल्टर, खाना और घर, और बदले में बैक्टीरिया इसको क्या दे रहा है? बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन के कंपाउंड दे रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए? फ्रेंडली हो गए बच्चे। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों के फायदा है। ये इसको बेनिफिट दे रहा है, ये इसको बेनिफिट दे रहा है। रहता कहां है? इसकी रूट्स में। प्लांट को क्या फायदा है? नाइट्रोजन मिलती है। और बैक्टीरिया को क्या फायदा है? उसको रहने को घर मिलता है, यानी इसकी रूट्स मिल गई, प्लस फूड मिलता है। अब बेटा आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट,
न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस आते कैसे हैं? तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में किस किस तरह से आएंगे? देखो बेटा, ये जैसे सॉइल है, ठीक है, इसमें एक तो आता है, जैसे आपने देखा होगा खेत में हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीद के लाते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया खरीद के लाएंगे और खेत में डालते हैं, तो इससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। दूसरा तरीका है बेटा, घर में बनी हुई खाद डाल देंगे, जो गोबर से बनाते हैं फार्मर्स, उसको क्या बोलते हैं, मेन्योर, तो मेन्योर से आ जाएंगे। तीसरा तरीका बेटे, अभी भी हमने पढ़ा था, जो दोस्त बैक्टीरिया था कौन था, राइजोबियम, तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी मिट्टी के अंदर क्या डालता है, न्यूट्रिएंट्स डालता है। और फोर्थ है बेटा, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डीकंपोजिशन ऑफ डेड मैटर, डेड बॉडी से भी मटेरियल ऐड होता है। तो मिट्टी के अंदर वापिस कैसे आते हैं न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर से, मैन्योर से, राइजोबियम बैक्टीरिया से और डेड बॉडीज की डीकंपोजिशन से। तो इससे बार बार न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते रहेंगे बेटा, बार बार सॉइल में आएंगे, फिर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में आएंगे, प्लांट्स से एनिमल में, एनिमल से फिर वापस सॉइल के अंदर, ये साइकिल चलती है। तो यहां तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इसको अंडरलाइन करना है, इसके कीवर्ड्स नोट करने हैं, डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो आपने क्या क्या करना है मैं बता रहा हूं, होमवर्क है ये आपका। देखो बच्चे, एक तो अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन भी चैप्टर है, जहां भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस आए पेंसिल से अंडरलाइन करना है, बट ओनली विद द पेंसिल। सेकेंड आपने क्या करना है, जितना लेक्चर हमने बोर्ड पे पढ़ा सारा, वो आपने लेक्चर जो हमने नोट किया है, लेक्चर ऑन एफ एंड बी फेयर नोटबुक की दो पेज होते ना टाइप, प्लेन पेज एक लाइन वाला पेज, तो प्लेन पेज वाली साइड किससे लिखना है, विद पेंसिल। थर्ड बेटे, क्वेश्चन आंसर वो आपने किससे लिखनी है, पेन से, कौन से पेन से, जेल पेन से। आप चाहो तो क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख सकते हो, आंसर ब्लू से, और अगर आपके पास नहीं है ब्लैक पेन तो आप ब्लू से क्वेश्चन और ब्लू से आंसर लिख सकते हो, लेकिन जेल पेन होना चाहिए बेटा, बॉल पेन नहीं लगाना आपने। इसके बाद बेटा जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स या तो क्वेश्चन आंसर के बाद लिख लेना या इससे पहले लिख लेना, ये विद पेन लिखने हैं और लाइन वाली साइड लिखनी है। तो ये हर चैप्टर में यही काम होता है बेटे, जब भी कोई चैप्टर आप आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपने यही तरीका फॉलो करना है कि अंडरलाइन, लेक्चर नोट करना, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर फेयर नोटबुक पे, प्लेन पेज की तरफ पेंसिल से, मतलब जितने भी डायग्राम जो भी टॉपिक मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं वो आपने प्लेन पेज पे पेंसिल से लिखना है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसकी एक्सरसाइज जो आपने पहले लेक्चर में भेज दी थी वो लर्न करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।